और तुम्हें ना पूरा गुस्सा आया हुआ है कि तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है? ये यहाँ से जाएगी, वन टू वन टू, ये हाथ यहाँ होंगे दोनों, यहाँ से ऐसे जाएगी और ये मुट्ठी ऐसे सामने की तरफ यू नहीं रहेगी, ठीक है? और घुटने बैंड रहेंगे सबके और नजरें सामने की तरफ, टू वन टू वन टू, पूरे जोश के साथ वन टू, जोर लगाना पंच लगाने में, पूरा जोर लगा दो एकदम, वन टू वन टू वन टू, जोर से वन टू, ये देखो कि सामने कोई है, बस उसको अब सेम यही दूसरी लेग से करना, लेफ्ट। जब ये तो कहना कि आप एक ही लेग चलाएंगे, जब भी फाइट होती है उसमें हमारी क्या चलती है, दोनों टांगे चलती हैं और दोनों ही हमारे हाथ चलते हैं। रेडी, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो राइट वाली लेग है वो हम जाएगी, ठीक है? वन और टू, चलिए आप। सर मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं इस स्कूल में फिज़िकल एजुकेशन की वोकेशनल टीचर हूँ और यहाँ पे एनएसएस का कैंप चल रहा है। इस दौरान जो ये पीछे गर्ल्स खड़ी हुई हैं कैंप में आई हुई है, इनको मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में जो है गर्ल्स, मेरा ये मानना है कि कहीं सेफ ही नहीं है। हमें ऐसी ऐसी जो है कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जिससे हमें भी डर लगता है, तो ये लगता है कि भी आज के टाइम में हर लड़की का सेल्फ डिफेंस का आना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भी हर स्कूल में कॉलेज में लड़कियों को ये ट्रेनिंग ज़रूर दी जानी चाहिए, इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और जब भी वो कहीं अकेली चलती है उन्हें ये लगेगा कि भी हाँ वो अपनी रक्षा करने में कुछ हद तक सक्षम है। पूर्ण रूप से हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि अकेली लड़की क्या करेगी, पर फिर भी कुछ हद तक वो अपने आप को सेफ करने में कामयाब हो सकती है इन स्किल्स के द्वारा। ये ट्रेनिंग कितने दिन तक में लड़के सीख सकती हैं? सर इसके लिए बेसिक के लिए कम से कम एक हफ्ता ज़रूरी है बेसिक के लिए। आज कितनी ट्रेनिंग दी गई है? आज इनको इनका फर्स्ट डे ही है इसका, ये इनकी बेसिक की शुरुआत है। इससे क्या इनमें क्या फ़र्क आएगा, क्या महसूस करेंगे? बस इनमें कॉन्फिडेंस लेवल इनमें इंक्रीज हो जाएगा कि भी हाँ हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। बेटा आज के ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा? आज आज हमें मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया गया। उसमें क्या सीखा आपने? हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। और क्या महसूस करते हैं अभी ये सीखने के बाद, आपको कितना ही कॉन्फिडेंस हुआ है? अभी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हम कहीं भी अकेले जा सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अगर